हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे। चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं शहादत भी देनी पड़े तो मुझे कोई। देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में रहे हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी, उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू, आज आधा प्रतिशत पर बच गया। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए, हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थर खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने आपके करके आज हम बिहार शरीफ में भी जब रामनवमी के जुलूस निकालते हैं तो पत्थर चलता है, लेकिन हमने कभी तजिया पर कोई पत्थर न फेंका है न फेंकूंगा। क्या हिंदू भाई हैं डरे हुए, सहमे हुए, और मैं कहता हूं जब बांग्लादेश के ढाका में सारे हिंदू निकल करके संगठित हुए, तब पूरी दुनिया उनके लिए कोई खड़ी हुई। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर बहुत। आज देखें बंगाल की क्या स्थिति है, कभी बांग्लादेश है। आज बिहार के केवल 4 जिले आपको दिखाई देते हैं, इसके अलग में देखें 17 जिले जहां हमारी पूजा पद्धति में विसर्जन में दिक्कत होती है। अब समय आ गया है, जिनको वोट की राजनीति है करनी करे, हमें तो चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं शहादत भी देनी पड़े तो मुझे कोई चीज